बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी जो है वो से टॉपिक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और इसमें हमने वर्टिब्रेट्स के करेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं और उसके बाद हमने पाइसिस की तरफ आ जाना है, जो हमारी सुपर क्लास पाइसिस है हमने उसकी तरफ आ जाना है, और उसमें फिशेस को डिटेल के साथ पढ़ना है आज के लेक्चर में। यानी हमारा क्या होगा आज के लेक्चर में, हमारा वर्टिब्रेट का के यूनिक करेक्टरिस्टिक होंगे, और उसके साथ हम पाइसिस की तरफ आएंगे जिसमें हमने हर तरह की जो है वो फिश की क्लासिफिकेशन देखनी है, उसको स्टडी करना है, उनके जो मेन सिस्टम है उनको डिस्कस करना है। और ये भी मैं बताती चलूँ कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी वैरायटी की फिशेज हैं कि किसी तरह से भी किसी जो है मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन जो हैं इसमें से बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चन निकल सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करूं, जैसे मैं पहले भी कहती होती हूं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी आपको स्लाइड में अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि जिस टाइम स्लाइड मैं बना रही होती हूँ उस टाइम जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो माइंड से निकली होती हैं, लेकिन जब आपके साथ डिस्कशन चल रही होती है तो बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इधर से भी आ जाता है। तो आप लोग जो है काइंडली अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखा करें और उसको नोट करते जाया करें। और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इसको आपने एंड तक जो है वो सुनना है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जो है वो साथ साथ करते जाना है। मैं कोशिश करूंगी कि साथ ही उसके आंसर दे दूँ, अगर नहीं दे सकी तो मैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको आंसर जो है वो दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं जी। ये जैसे चार्ट मैंने पहले बनाया था कॉर्डेट का, उसमें हाँ जी, ये कॉर्डेट के चार्ट में हमने प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ लिए, एक रेनिएटा। तो हमारे जो है अब कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट हमारे स्टार्ट होने लगे हैं, और हायर कॉर्डेट में वर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट में भी हमारे जो है वो पाइसिस हैं, जिसमें पाइसिस में हम जो है एक नेथा भी करेंगे और नेथोस्टोमेटा भी करेंगे, यानी जालस फिशेज भी करेंगे और जार्ड फिशेज भी करेंगे। तो दो इसके मेन ग्रुप हैं, पाइसिस जो है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, उसकी दो मेन जो है वो जो है ग्रुप्स हैं। पहला जो है एग्नेथा और दूसरा ग्रुप कौन सा है, गनेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा जालस फिशेज हम पढ़ेंगे और साथ ही हम गनेथोस्टोमेटा जार्ड फिशेज पढ़ेंगे। जालस फिशेज में हमारे पास मैगजीनी होगी, सिफेलोस्फीडोमाफी होगी, उसको हम देखेंगे और जालस में, और जार्ड फिशेज में हम किसको पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज में को पढ़ेंगे और ऑस्ट्रिक्थीज को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ये हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रेट को देखते हैं, वर्टिब्रेट के करेक्टरिस्टिक कि जैसे हम मैंने आपसे बोला था कि कॉर्डेट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं लोअर कॉर्डेट और एक को हम कहते हैं हायर कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, लोअर कॉर्डेट आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट एंड हायर कॉर्डेट आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रेट। और जो लोअर कॉर्डेट थे वो एक क्रेनिएटा थे, जिसमें क्रेनियम नहीं थी, जिसमें जो है वो ब्रेन की जो कवरिंग है वो नहीं होती, उनको हम एक रेनिएटा बोलते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जो सब फाइलम हमारा जो है वर्टिब्रेटा है, ये हायर कॉर्डेट है, इनके तीन नाम हम इनको देंगे, एक हम देंगे हायर कॉर्डेट, दूसरा नाम हम इनको बोलेंगे वर्टिब्रेट, और तीसरा हम बोलेंगे क्रेनिएटा। क्रेनियम रखने वाले, वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले हायर कॉर्डेट्स हैं ये। तो इनके अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो करेक्टरिस्टिक में कहेंगे कि तमाम के तमाम कॉर्डेट के जो हॉलमार्क्स हैं, जो हमने फाइव हॉलमार्क्स पढ़े थे, वो सारे के सारे इनमें प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही क्यों ना हो, वो इनके प्रेजेंट रहेंगे और उनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक जो हैं वो आगे मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो वो फाइव हॉलमार्क्स जो हैं, यानी नोटोकार्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, एंडोस्टाइल और पोस्ट एनल टेल, ये सारे के सारे जो कॉर्डेट के करेक्टर हैं वो इनमें होंगे, और चाहे वो इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में हों या कुछ इनमें से जो है वो आगे भी जाएं, लेकिन ज़्यादातर वो इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं, तो वो सारे करेक्टरिस्टिक इनमें होंगे। और फिर इनमें मॉडिफिकेशन आएगी, जैसे हम कहते हैं कि इनका जो है बोनी एंडोस्केलेटन है और उसमें जो मेन रॉड है जिसके छोटे छोटे वर्टिब्री हैं उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे।
तो इनका नोटोकार्ड आगे जाके रिप्लेस हो जाएगा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। सिर्फ हैगफिश है जिसमें नोटोकार्ड परसिस्ट रहेगा, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम इनकी स्किन की या इंटेग्यूमेंट की बात करें तो इंटेग्यूमेंट इसकी हाईली डिवेलप्ड है। टू उसमें मेजर डिवीजन है, आउटर इज द एपिडर्मस एंड लोअर इज द डर्मस। और एपिडर्मस जो है वो एक्टोडर्म से अराइज्ड होगी और उसमें जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। एपिथीलियम की बनी हुई एपिडर्मस होगी और किससे अराइज्ड होगी, एक्टोडर्म से। और जो इनकी इनर डर्मस है वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं और वो मीजोडर्म से निकलेंगी। और इसकी स्किन में बहुत सारी मॉडिफिकेशन होंगी, कुछ में ग्लैंड्स होंगे, जैसे हम वो ग्लैंड्स जो है एम्फीबियन में आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इनकी स्किन जो है ग्लैंडुलर होगी। और मैमल्स में भी होंगे ग्लैंड्स, ये नहीं है, लेकिन हाईली पिगमेंटेड एंड हाईली ग्लैंडुलर स्किन प्रेजेंट इन एम्फीबियन। तो फिशेस की भी ग्लैंडुलर होगी और कुछ की स्किन के ऊपर स्केल्स होंगे। और फिर हम साथ साथ जो है वो देखेंगे, आगे कंपेयर भी करेंगे कि कुछ के जो स्केल हैं वो जो है किन के हैं, जो एक्टोडर्मल अराइज्ड हैं, किन के स्केल मीजोडर्मल अराइज्ड हैं, किन में स्केल हैं, किन में फैदर्स हैं, किन में क्लास हैं, किन में हॉर्न्स हैं और कौन हेयर रखेंगे। तो ये जितने भी वर्टिब्रेट हैं इनकी ग्लैंडुलर स्किन के अलावा और भी बहुत सारी इनमें स्ट्रक्चर होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, फैदर्स, क्लास, हॉर्न एंड हेयर्स। जैसे हेयर हमें किस में नजर आते हैं, मैमल्स में। फैदर किस में नजर आते हैं, बर्ड्स में। तो ये इस तरह की इनकी इंटेग्यूमेंट होगी। और हाईली कॉम्प्लीट मस्कुलराइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, हाईली डेवलप्ड इन वर्टिब्रेट और वेंट्रल टू वर्टिब्रल कॉलम, हमेशा वर्टिब्रल कॉलम के क्या होगा, वेंट्रल होगा। और उसमें ना सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक होगा बल्कि इसके अलावा हाईली वेल डिवेलप्ड लीवर एंड पैनक्रियाज एज अ एक्सेसरी स्ट्रक्चर, तो वो भी हेल्पफुल होगी डाइजेशन में, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, और एंजाइम्स देंगी जो डाइजेशन करवाएंगे। अगर हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तमाम वर्टिब्रेट का, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अच्छा, फिर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ फर्दर डिवाइडेड है, या वो होगा सिंगल सर्कट या वो होगा डबल सर्कट। सिंगल सर्कट हम फिशेज में जो है वो पढ़ते हैं, ये माइंड में रखिएगा कि फिशेज, तमाम फिशेज में सिंगल सर्कट है, यानी एक ही तरह का हार्ट के पास ब्लड आता है और वैसा ही दूसरी डायरेक्शन में दे दिया जाता है। ये नहीं है कि हार्ट दो साइड से ब्लड ले और दो साइड से दे, और ये भी नहीं है कि एक तरफ से ये ऑक्सीजनेटेड ले और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ले और फिर बॉडी को देने लगे तो ऑक्सीजनेटेड भी दे और डीऑक्सीजनेटेड भी। नहीं नहीं, फिशेज में क्या होगा कि जैसा ब्लड आएगा हार्ट के पास वैसा ही वैसा जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरह का जो सर्कट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कट। तो सिंगल सर्कट ये हम फिशेज में पढ़ेंगे, बाकी जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें डबल सर्कुलेट, डबल सर्कट जो है वो होगा, यानी सिस्टमैटिक भी होगी और जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन वो भी होगी। तो बाकी जो है इनमें हार्ट जो है वो चैम्बर्ड होगा, वेल डिवेलप्ड चैम्बर्ड होंगे, किसी में फोर चैम्बर्ड होंगे जैसे मैमल्स हैं, किसी में थ्री चैम्बर्ड होंगे, टू चैम्बर्ड होंगे। तो ब्लड सेल्स भी होंगे हीमोग्लोबिन के साथ, पेयर्ड एओर्टिक आर्चीज होंगी, वेंट्रल और डॉर्सल एओर्टा होगा। और अगर ये गिल्स हैं तो वो ब्रांचेस कहाँ जाएंगी, गिल्स के पास। और बट टेरिस्ट्रियल फॉर्म एओर्टिक आर्चीज मॉडिफाइड टू पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। और जैसे मैंने बताया कि जिनका डबल सर्कट है, टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, डबल सर्कट रखने वाले हैं, तो उनमें जो है एओर्टिक आर्चीज जो है वो मॉडिफाइड होके दो सिस्टम बनाएंगी, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। तो ये चीज़ें हम साथ साथ देखते जाएंगे, इसको बस ये माइंड में रखना है कि वर्टिब्रेट का इस तरह का है। और इनका वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं इनकी हाईली डिवेलप्ड सिलोम होगी, एक्सटेंडेड होगी, वो रिड्यूस्ड बिल्कुल नहीं होगी। दो तरह के उसमें पार्ट में डिवाइड होगी, पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट का एरिया है और प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी जो जो है हमारा एब्डोमन का एरिया है। तो इस तरह दो तरह की कैविटीज होंगी, सिलोमिक पेरिकार्डियल कैविटी एंड प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी।
और एक और चीज के इनका जो एक्सक्रीशन है वो हाईली डेवलप्ड है, और हम ये नहीं कहेंगे कि सिंगल ग्लोम्यूलर है या जैसे हम पहले कहते थे प्रोटोनेफ्रिडिया मेटानेफ्रिडिया, नहीं हम कहेंगे किडनी है। अच्छा, वो किडनी जो है ऑन द बेस ऑफ ओरिजन, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, वो किडनी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कुछ में प्रोनेफ्रिक किडनी होंगे, कुछ में मीजोनेफ्रिक होंगे, कुछ में मेटानेफ्रिक होंगे। और ये हैं क्या, इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। इसका मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब मैमल्स का लेक्चर दूंगी तो उसी में जो है किडनीज का भी दूंगी, क्योंकि ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं कि प्रोनेफ्रिक किन में किडनी होता है, मेटानेफ्रिक किस में होता है, और फिस्टोनेफ्रिक किस में होता है, मीजोनेफ्रिक किस में होता है। तो ये अक्सर जो है कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉब्लम। अगर ये मैं आज ही दे दूँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा जो है लेक्चर हो जाएगा। इसको मैं पेंडिंग कर रही हूँ, किसी और जो है कोशिश करूँगी जब मैं मैमल्स का दूँ तो तब मैं उनका बता दूँगी कि इस तरह के किडनी इनमें होते हैं। ब्रेन इनका हाईली डिफ्रेंशिएटेड है, 10 to 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं इनमें। और इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रीमिटिव मायोटोम्स होते हैं, W शेप के जो है मायोटोम्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंस ऑर्गन जो है डिराइव फ्रॉम एपिडर्मल प्लेकॉर्ड्स, इनके सेंस ऑर्गन जो है वो एपिडर्मस से निकलते हैं, और सेंस ऑर्गन जो है वो आगे हम देखते जाएंगे टेस्ट के कैसे हैं, हेयरिंग के कैसे हैं। ये जनरल बातें कर रहे हैं तो इसलिए इसमें इतनी मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। और एंडोक्राइन सिस्टम, ये माइंड में रखिएगा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही वेल डिवेलप्ड है। ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं पूरी बॉडी में, ये स्कैटर्ड होते हैं, हार्मोन्स खारिज करते हैं, और वो हार्मोन्स बॉडी के बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम हाईली डिवेलप्ड इन अ वर्टिब्रेट। अच्छा, नियरली ऑलवेज सेपरेट सेक्सेस हैं इनके, ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हम पढ़ेंगे या आपको सेपरेट सेक्सेस डायोशियस मिलेंगे, और मोस्टली में लार्वल स्टेजेस नहीं होंगी। एम्फीबियन में हम देखते हैं कि चंद फिशेज में है, अदरवाइज डायरेक्ट इनकी जो है वो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और जो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, वो जिसको हम यानी कि हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, तो उनमें यानी 2 पेयर के आपको अपेंडेजेस नज़र आएंगे। लेकिन फिशेज में हमें पेयर्ड भी मिलेंगे, अनपेयर्ड भी मिलेंगे। पेयर्ड जो है वो उसको हम पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन कहेंगे, और अनपेयर्ड जो फिशेज में अपेंडेजेस होंगे उनको, जैसे कॉडल फिन, डॉर्सल फिन, उनको हम इस तरह नाम देंगे। तो फिशेज में हमें पेयर्ड भी मिलेंगे, अनपेयर्ड भी मिलेंगे। अभी फिशेज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें देख लेते हैं। फिशेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ अर्लीस्ट वर्टिब्रेट देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक टूथ लाइक फॉसल्स रिजेंबल टू एम्फियोक्सिस, ये इसके जो है फॉसल्स मिले हैं इस ऑर्गेनिज्म के, जो एम्फियोक्सिस जैसा नज़र आता है। लेकिन कहा जाता है कि ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है, और या फर्स्ट नहीं है तो कम से कम ये अर्लीस्ट वर्टिब्रेट है जिसको कोनोडॉन्ट कहते हैं। तो इसमें मैं बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगी, यही है कि अपने माइंड में रखिएगा कि अगर कोनोडॉन्ट आपसे पूछ ले तो, अक्सर पूछते भी हैं, तो इनको अर्लीस्ट वर्टिब्रेट माने जाते हैं कि ये अर्लीस्ट वर्टिब्रेट हैं जो कैम्ब्रियन पीरियड में जो है वो फ्लरिश्ड थे। तो इनको कुछ जूलॉजिस्ट कहते हैं कि ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है। और ऑस्ट्रेकोडर्म, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ये फर्स्ट जालस फिश है, और इसके 3 जो है वो जेनरा थे। उन 3 जेनरा के आपको मिलर एंड हार्डले, हिकमैन, उनसे उनके नेम मिल जाएंगे। तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म। और ये कैम्ब्रियन पीरियड में ये इवॉल्व हुई थी, ऑर्डोविसियन में ये फ्लरिश्ड कर गई, और इनको फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट जालस फिशेज। और जो फर्स्ट जार्ड फिशेज हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लैकोडर्म, फर्स्ट जार्ड फिश ऑफ अर्ली साइलूरियन पीरियड। तो ये जो पेलियोजोइक इरा है, उस पेलियोजोइक इरा के साइलूरियन पीरियड में ये वाली प्लैकोडर्म जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी, और ये आज की शार्क की तरह थी। बहुत बड़े बड़े प्रीडेटर थे, कार्निवोर्स थे और प्रीडेटर थे बिल्कुल जैसे आज की शार्क है। कैंथोडियन, एंसेस्टर ऑफ बोनी फिशेज, इनमें इनको बोनी फिशेज के एंसेस्टर माना जाता है, कैंथोडियंस। ये जो है एक्सटिंक्ट जो है वो फिशेज हैं, और ये भी जो है डिवोनियन में उसमें दौर में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड थी। हाँ जी, ये कुछ डायग्राम है, जैसे ये मैंने ऑस्ट्रेकोडर्म लिए, आर्म फिश, बड़ी बड़ी प्लेट्स इसकी बॉडी पे हैं, तो ऑस्ट्रेकोडर्म, और इधर जो है बी साइड पे प्लैकोडर्म है, यानी जार्ड फिश है।
इसके टीथ जो है वो बहुत ही जो है नुकीले और प्रीडेटरी चूंकि फिश थी और बहुत बड़ी फिश थी, और ये जिससे मैंने बताया कि ये साइलूरियन पीरियड में ये फ्लरिश्ड कर गई। हाँ जी, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस की तरफ। उसके बाद वन बाय वन हम इनके जो है वो सिस्टम भी देखेंगे, क्लासेस पहले देखेंगे, उन क्लासेस के जो है वो मैंने अलहदा से तमाम फिशेस के कोई अलहदा से यूनिक करेक्टर नहीं बनाए, क्योंकि हर जो है जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हर ग्रुप के जो है वो यूनिक करेक्टरिस्टिक साथ साथ करते जाएंगे, उसके बाद इनके सिस्टम करेंगे और फिर क्वेश्चन जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लास्ट में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम क्वेश्चन में ही हो गए तो फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, कुछ चंद एक हैं जो पहले बनाई हैं, अदरवाइज लास्ट में हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस की जब हम बात करें, फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और हैं ये सारी पाइसिस, जितनी भी फिशेज हैं इनको हम पाइसिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब फाइलम आपने वर्टिब्रेटा लेना है, और सुपर क्लासेस जो है हम दो कहेंगे, सुपर क्लासेस एग्नेथा एंड सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास एग्नेथा एंड सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है उसका मतलब है जालस, तो इसमें इस ग्रुप में जालस आएंगी, तो जालस में जो है हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास मैगजीनी है और क्लास सिफेलोसिपिडोमॉर्फी है। तो क्लास मैगजीनी में हम हैगफिश पढ़ेंगे मोस्टली, और क्लास सिफेलोसिपिडोमॉर्फी में हम लैम्प्रेज पढ़ेंगे। तो ये दोनों फिशेस जो हैं, ये इनके जितनी भी और भी इनकी टाइप्स होंगी, तो वो सारी की सारी क्या है, जालस है। तो ये हमारा आएगा सुपर क्लास एग्नेथा में, और जो हमारी सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा है यानी जार्ड फिशेज है, उन जार्ड फिशेज के जो है वो दो क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज एंड क्लास ऑस्ट्रिक्थीज। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज नाम से जाहिर है कार्टिलेजनस फिशेज, ये भी कार्टिलेजनस हैं, जो सुपर क्लास एग्नेथा के हैं ये भी कार्टिलेजनस हैं, लेकिन ये ट्रू कार्टिलेजनस फिशेज हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रू कार्टिलेजनस फिशेज, और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज में हमारे पास क्या आएंगी, बोनी फिशेज, जिनका स्केलेटन किससे मिलकर बना है, बोन्स पर। और भी करेक्टरिस्टिक है साथ साथ देखते हैं हम। और फिर जो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज है, इनकी दो सब क्लासेस हमने पढ़नी है, सब क्लास लेज्मोब्रैंकी एंड सब क्लास होलोसिफेली। जो क्लास हमारी लेज्मोब्रैंकी है, इसमें शार्क, स्केट्स और रेज आएंगी, यानी ये कॉमन फिशेज हैं, शार्क, स्केट्स एंड रेज। और जो सब क्लास होलोसिफेली है, उसमें काइमिराज, रेड फिशेज, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारी कार्टिलेजनस हो गई। फिर हम आएंगे क्लास ऑस्ट्रिक्थीज की तरफ, जहाँ पर कुछ बुक में ना उन्होंने क्लास एक्टिनोटेरिजी और क्लास सार्कोटेरिजी लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है कि ये जो अथेंटिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये क्लास ऑस्ट्रिक्थीज है, ये उनकी सब क्लासेस है। ऑस्ट्रिक्थीज हम बोनी फिशेज को बोलते हैं, एडवांस फिशेज होंगी इनमें। फिर बोनी फिशेज दो तरह की होंगी, एक वो होगी जिसे रे फिन फिशेज कहेंगे, और वो होंगी जो लो फिन फिशेज हैं। रे फिन फिशेज का मतलब है कि फिन्स जो है अगर हम देखें तो उसमें से हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे रेज निकल रही हैं, उनके जो स्केल्स हैं उसके अंदर जो जिनसे फिन बने हुए हैं उनके वो जो रेज हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, और वो बिल्कुल रे ऐसे ही लगेगा जैसे उसमें से रेज निकल रही हैं, तो वो रे फिन फिशेज कहलाएंगी। जबकि अगर ये फिन जो है वो लोब की तरह के हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे कुछ बाजू या टांगे कुछ इस तरह की उनकी लोब निकल रही हैं, तो फिन उसमें रेज नहीं निकल रही बल्कि लोब है, तो फिर ऐसी फिशेज को हम क्या कहेंगे, लोब फिन फिशेज। तो रे फिन फिशेज की जो सब क्लास होगी उसको एक्टिनोटेरिजी कहेंगे, और जो लोब फिन फिशेज की सब क्लास होगी उसे सार्कोटेरिजी कहेंगे, जिसकी फर्दर इंफ्रा क्लासेस भी होंगी। तो वो अगर आपने वो इंफ्रा क्लासेस पढ़नी है तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, और इंफ्रा क्लासेस जो है वो पूछते भी हैं, जैसे कॉन्ड्रोस्टेन है और भी हैं इनकी इंफ्रा क्लासेस, तो वो इंफ्रा क्लासेस आपको बुक से अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर सब क्लासेस तक जो है ये क्लासिफिकेशन रखी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, जिसे हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं, जिसको मैंने कहा था तीन नाम है, हायर कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, क्रेनिएट्स, तो उनके दो जो है सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास एग्नेथा, सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन जालस, उसमें क्लास मैगजीनी पढ़ेंगे, क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी पढ़ेंगे, और जो सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा है उसमें क्लास कॉन्ड्रिक्थीज पढ़ेंगे और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज पढ़ेंगे।
और कॉन्ड्रिक्थीज में हमारी फर्दर दो सब क्लासेस आएंगी, लेज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली, और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज में फर्दर जो है दो सब क्लासेस आएंगी, सब क्लास एक्टिनोटेरिजी यानी रे फिन फिशेज और सब क्लास सार्कोटेरिजी यानी लोब फिन फिशेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन हर क्लास को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, लार्वा इज कंसीडर्ड एज द मॉडल ऑफ द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट बॉडी प्लान। लार्वा इज कंसीडर्ड एज अ मॉडल ऑफ द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट बॉडी प्लान। किसका लार्वा जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जिसे वर्टिब्रेट ही हो, तो वो हमने देखना है किसका है, एमोसीट लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेटा, बोथ बी एंड सी। एमोसीट लार्वा लैम्ब्रे का लार्वा है, तो लैम्ब्रे जो है वो जालस फिश है, तो उसका जो लार्वा है वो लार्वा जो है ऐसे, ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया था, हालांकि मैंने अभी इसको स्टडी नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं पिछले दो पेपर देख रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एमोसीट लार्वा जो है वो आप हिकमैन की बुक से देखिएगा, वो बिल्कुल वो लार्वा है वो किसका लार्वा, लैम्ब्रे का है, यानी कि जालस फिश का ये एमोसीट लार्वा है, और ये लार्वा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये हायर वर्टिब्रेट की तरह का हो। तो इसको मॉडल के तौर पर जब भी वर्टिब्रेट का बॉडी प्लान पढ़ना होता है तो उसकी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स देखनी होती है, तो एमोसीट लार्वा को लिया जाता है। तो एमोसीट लार्वा जो है, यहाँ ये पूछ सकते हैं आपसे कि वो कौन सी फिश का लार्वा है, तो वो आप फिर क्या कहोगे कि वो लैम्ब्रे का लार्वा है और उसको, या एमोसीट है तो उसको प्रिमिटिव वर्टिब्रेट बॉडी प्लान के तौर पर लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टू है, सब क्लास होलोसिफेली बिलोंग टू क्लास। कि होलोसिफेली जो है यहाँ पर कोई और भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे लेज्मोब्रैंकी आपसे पूछ सकते हैं, या इस पे एक्टिनोटेरिजी पूछ सकते हैं, सार्कोटेरिजी पूछ सकते हैं, कि एक्टिनोटेरिजी जो है वो कौन सी क्लास की है, सार्कोटेरिजी है वो कौन सी क्लास की है, होलोसिफेली का कौन सी क्लास है, लेज्मोब्रैंकी कौन सी क्लास है, ये क्लास पूछ सकते हैं, और आगे उनकी सब क्लास जो है वो स्टेटमेंट में आ सकती है, सब क्लासेस जो है वो नीचे उनके ऑप्शन में दी जा सकती है। तो होलोसिफेली हमें पता है कि ये कॉन्ड्रिक्थीज की क्लास सब क्लास है, तो कॉन्ड्रिक्थीज यानी हम कह सकते हैं ये हमारी कार्टिलेजनस फिशेज, और इसमें लेज्मोब्रैंकी भी इसी की सब क्लास है, तो लेज्मोब्रैंकी और होलोसिफेली ये जो है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज जो है, या यहाँ पर कार्टिलेजनस फिश भी आ सकता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, माइक्रोस्कोपिक टूथ लाइक फॉसिल फ्रॉम वर्टिब्रेट लीनिएज रिजेंबल टू एम्फियोक्सिस इज। तो अभी मैंने आपसे बताया था, या यहाँ पे वेरी अर्लीस्ट वर्टिब्रेट पूछा जा सकता है, या माइक्रोस्कोपिक टूथ लाइक जो फॉसिल है, जो वर्टिब्रेट का लीनिएज ही है लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अभी तक क्लियर नहीं है, एम्फियोक्सिस से ये रिजेंबल करते हैं, वो कौन है, वो कॉनोडॉन्ट है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, या ऊपर कॉनोडॉन्ट लिखा होगा और नीचे लिखा होगा कि ये क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये प्रीमिटिव जो है वर्टिब्रेट है या अर्लीस्ट वर्टिब्रेट है, या ये पूछ सकते हैं कि कॉनोडॉन्ट किससे रिजेंबल करता है, तो वो एम्फियोक्सिस से। तो लेकिन अभी भी इसकी एग्जैक्ट पोजिशन जो है वो क्लियर नहीं है उसके। हाँ, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जालस कौन सी है, फर्स्ट जार्ड कौन सी है, या आपसे पूछ सकते हैं कि बोनी फिशेज के जो एंसेस्टर हैं वो कौन से हैं, तो ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल वर्टिब्रेट है वर्टिब्रल कॉलम एक्सेप्ट। तमाम वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन कौन सा ऐसा मेम्बर है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, और वो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हैग फिश है, तो हैग फिश में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाकी करेक्टरिस्टिक इसके वर्टिब्रेट जैसे हैं, तो ये जो पहला वर्टिब्रेट है जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आप लोग देखा करें, आगे भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब हम वन बाय वन क्लास को देखते हैं। क्लास मैगजीनी जो है ये जालस फिशेज में आएंगी, इसके जार्ड नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप कहोगे कि जालस फिशीज हैं, और फिर इनमें फिश की तरह के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो भी इसमें कम हैं, जैसे फ्यूजी फॉर्म बॉडी है तो, और उसमें फिन्स लगे हुए हों या स्केल्स लगे हों, ऐसा सीन नहीं है।
ईल लाइक इनकी बॉडी है और स्किन के ऊपर कोई स्केल नहीं है। हाँ, स्लाइम ग्लैंड है जो स्लाइम पैदा करते हैं और ये नेकेड स्किन है इनकी। कोई इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, कोई इनमें अनपेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है। पेयर्ड अपेंडेजेस जहन में रखिएगा कि फिशेज के जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं उनमें पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, ये पेयर्ड की फॉर्म में होंगे। ये बिल्कुल जैसे हमारे बाजू और टांगे हैं ये वैसे ही होंगे उसी हिसाब से, यानी कि पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन। और जो अनपेयर्ड होते हैं वो डॉर्सल और कॉडल होते हैं, तो इनमें किसी किस्म के अपेंडेजेस नहीं है। फाइब्रस एंड कार्टिलेजनस इनका स्केलेटन है, नोटोकार्ड इनका परसिस्ट करता है। और जैसे मैंने बताया कि हैग फिश में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो इनका नोटोकार्ड होगा। बाइटिंग इनका माउथ है विद टू रो ऑफ इवर्सिबल टीथ बट नो जा। टीथ जरूर है लेकिन ये जाज के बगैर है, जा नहीं है, जबड़े नहीं है इनके। और इनका बाइटिंग माउथ है और बाइट करते हैं ये, यानी कार्निवोर्स हैं ये। हार्ट विद साइनस मिनोसिस आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, हार्ट के तीन खाने हैं। एसेसरी हार्ट भी होगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी फिशेज हैं जो हार्ट के अलावा एसेसरी हार्ट भी रखती हैं, तो वो हैग फिशेज हैं। एओर्टिक आर्चीज इन गिल रीजन, इनके गिल्स में एओर्टिक आर्चीज जाएंगी, 5 to 6 पेयर ऑफ गिल्स। ये बात याद रखने वाली है कि इनमें अक्सर पूछ लेते हैं कि हैग फिशेज में गिल्स कितने हैं, लैम्ब्रीज में कितने हैं, और इनका मीजोनेफ्रिक किडनी है। तो वो किडनीज की जो टाइप्स है मैंने आपसे पहले बोला कि वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी आप फिलहाल ये माइंड में रखें कि ये मीजोनेफ्रिक किडनी रखती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके अंदर स्टमक नहीं होता, अमूमन ये ब्लड लेती हैं और उसको जो है डाइजेशन करनी नहीं पड़ती, तो इसलिए इनका ज़्यादातर जो है विदाउट स्टमक है। सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट स्मेल एंड हेयरिंग, आइज इनकी डिजनरेट है, आइज इनकी वेल डेवलप नहीं है। सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या लार्ज योकी एग एंड नो लार्वल स्टेज। तो हैग फिश में एग्जांपल इसकी हैग फिश है, हैग फिश में लार्वा नहीं होता, लेकिन जो अगली हम क्लास पढ़ रहे हैं जाल स्पीशीज की उनका लार्वा है, और वो लार्वा मैंने जैसे बताया एमोसीट लार्वा। तो आप अपनी बुक से देखिएगा, बहुत मजे की उसकी डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर के बॉडी के पार्ट भी आप देखिएगा। ये हो गई क्लास मैगजीनी, जिसमें कोई आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड अपेंडेजेस नजर नहीं आए, कोई स्किन के ऊपर स्केल नजर नहीं आए, तो वर्टिब्रल कॉलम इनमें नहीं है, 5 to 6 पेयर जो है इनके गिल्स के हैं, मीजोनेफ्रिक इनका किडनी है, स्टमक इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, आईज इनकी रेड्यूस्ड है, नो लार्वल स्टेज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, योकी लार्ज एग। ये क्लास मैगजीनी थी, यानी हैग फिश। क्लास सिफेलोस फिडोमॉर्फी, इसमें हमने किसको पढ़ना है, इसमें लैम्ब्रेस को पढ़ना है। 22 इनकी स्पीशी हैं, फ्रेश वाटर में हैं और एनाड्रोमस हैं। अच्छा, ये एक और मैंने ये एनाड्रोमस यहाँ पे ऐड किया है। क्वेश्चन बड़े निकलते हैं कि मोनोड्रोमस क्या है, डायाड्रोमस क्या है, एनाड्रोमस क्या है और कैटाड्रोमस क्या है, और अक्सर इनकी एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं। मोनोड्रोमस का मतलब ये होता है कि जो एक ही तरह के इन्वायरमेंट में सारी जिंदगी फिश रहे, उसको हम मोनोड्रोमस की, अगर वो सी वाटर में है तो वो सारा टाइम सी वाटर में रहे, और अगर वो फ्रेश वाटर की फिश है तो वो सारा टाइम फ्रेश वाटर में रहे। जैसे शार्क है वो सी वाटर का मेंबर है, तो वो सी, इसी तरह जो है इंडियन कार्प हैं, रहू, मोरी, थैला, तो ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं, तो वो मोनोड्रोमस हैं जो एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं। डायाड्रोमस का मतलब होता है कि वो दो तरह के इन्वायरमेंट को इंजॉय करें, तो ब्रीडिंग के लिए किसी और इन्वायरमेंट में जाना पड़े, जैसे सी में रहती हैं तो उन्हें जो है ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाना पड़े, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रहती हैं तो ब्रीडिंग करने के लिए किस में जाना चाहिए पड़े, सी वाटर में। तो जो दो तरह के इन्वायरमेंट को इंजॉय करती हैं उन्हें हम कहते हैं डायाड्रोमस। तो डायाड्रोमस की फर्दर दो टाइप हैं, डायाड्रोमस आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस वो होती हैं जो सी वाटर में जिनका एडल्ट रहता है, लेकिन वो एडल्ट जो है ब्रीडिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, क्योंकि उनका लार्वा जो है वो साल्ट को बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, उन्हें फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर फिर उन्हें जो है अपना यानी ब्रीडिंग का साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है, लार्वल स्टेज बनती है, और फिर वो लार्वल स्टेज जो ही एडल्ट में बनती है तो वो एडल्ट जो है फिर वो फ्रेश वाटर को छोड़ के दोबारा कहाँ आ जाता है, सी में। तो इस तरह का जो लाइफ है उनको हम क्या कहेंगे, हैं तो डायाड्रोमस, लेकिन जो सी से वाटर की तरफ, सी से
रिवर की तरफ या फ्रेश वाटर की तरफ जा रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एनाड्रोमस। तो उसमें लैम्ब्रेज जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। तो टेटाड्रोमस वो होती हैं जो फ्रेश वाटर में जिनका अडल्ट रहे और वो ब्रीडिंग के लिए किसमें जाएं, सी वाटर में। एडल्ट किस में रह रहा है, फ्रेश वाटर में, लेकिन ब्रीड कहाँ वो कर रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए उनको कहाँ जाना पड़ रहा है, उनको सी में जाना पड़ रहा है, यानी एनाड्रोमस के अपोजिट है। तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें कैटाड्रोमस कहेंगे। कुछ ईल जो होती हैं वो कैटाड्रोमस हैं, तो वो इस तरह है। सालमन जो है वो एनाड्रोमस है, सालमन जो है वो सी से कहाँ आ रही है, फ्रेश वाटर में आ रही है। तो ये इस तरह के आप कैटेगरी लाजमी देखा करें कि एनाड्रोमस कौन से हैं, मोनोड्रोमस कौन से हैं, कैटाड्रोमस, डायाड्रोमस। इनकी बॉडी सिलेंडर ईल लाइक है अभी, और ये भी नेकेड स्किन रखते हैं, इनमें कोई भी जो है स्केल नहीं है, और पेयर्ड अपेंडेजेस इनमें भी नहीं है, अनपेयर्ड में इनके पास डॉर्सल फिन है। तो ये थोड़ी सी एडवांस है किससे, मैगजीनी से। फाइब्रस और कार्टिलेजनस इनका स्केलेटन है, नोटोकार्ड इनका परसिस्ट जरूर करेगा, लेकिन साथ इनके वर्टिब्रल कॉलम होंगे और वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी होंगे। सकर लाइक ओरल डिस्क एंड टंग विद वेल डिवेलप्ड कैरेटिनाइज टीथ। लैम्ब्रेस भी ज़्यादातर जो हैं वो कार्निवोरस हैं, प्रीडेटरी हैं। इनकी मज़े की बात, इनके माउथ की अंदर जो टंग है उसके ऊपर टीथ लगे हुए हैं, जालस हैं। तो टीथ कैराटिनाइज टीथ किस पे हैं, टंग पे हैं। तो रेस्पिंग है टीथ जो है वो, टंग जो है, और टंग की मदद से ये अपने फिशेस में ये जो है वॉन्ट पैदा करते हैं, जख्म पैदा करते हैं, और फिर वहाँ से ये ब्लड जो है वो सक कर लेते हैं। एंटी कोगुलेटरी एजेंट इनके अंदर होते हैं जो उस वॉन्ट को जो है वो फ्रेश रखते हैं, इनके अंदर जो ब्लड होगा वो फ्रेश रहेगा, और अक्सर जो है ये फिश को नुकसान, बड़ी फिश को जिसके जिसको जिसका ये ब्लड लेते हैं उनको ये नुकसान भी पहुँचाते हैं। हार्ट इनका साइनस मिनोसिस है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल खानों पर मुश्तमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली हमने पढ़ी है, एओर्टिक आर्चेस इन अ गिल रीजन, लेकिन उनके 5 थे पेयर, इनके 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं विद एक्सटर्नल गिल ओपनिंग। और उनका मीजोनेफ्री किडनी था, इनका ऑफिस्टोनेफ्री किडनी है। बाकी इनका जो है ब्रेन कुछ उनसे डिवेलप्ड है, क्रेनियल नर्व्स हैं इनमें, डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट स्टमक जैसे हमने पहले पढ़ा, और सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड हेयरिंग, आईज इनकी भी डीजनरेट है, सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन लॉन्ग लार्वल स्टेज है, और लार्वा कौन सा है, इनका एमोसीट। एग्जाम्पल है हमारे पास लैम्ब्रीज, जिसकी 22 तकरीबन स्पीशी हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो ये दो हमारे जो थे, एक नेथा सुपर क्लास, उसकी दो क्लासेस हो गई, क्लास हमने मैगजीनी पढ़ी, हैगफिश उसमें पढ़ी, क्लास सिफेलोस्फीडोमॉर्फी, लेकिन ये बड़े सिंपल फिशेज हैं, इनमें कोई किसी किस्म के पेयर डिपेंडेंसीज आपको नज़र नहीं आए, फिश की और जो करेक्टर होते हैं वो भी नज़र नहीं आए, जैसे स्विम ब्लेडर का होना, जैसे अपरक्यूलम जो है वो गिल्स का अपरक्यूलम के साथ कवर्ड होना, या बोनी स्केलेटन होना, या स्केल्स जो है, हम फिशेज के आगे बहुत वैरायटी के स्केल्स पढ़ेंगे, और वो स्किन जो है वो स्केल से कवर्ड होती है, तो ऐसे कोई करेक्टरिस्टिक हमें इनमें नज़र नहीं आए। तो जा इसी तरह जा इनमें नहीं है, ये जा के बगैर हैं, जालस फिशेज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास गनेथोस्टोमेटा, और उसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेजनस फिशेज, और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज यानी बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजनस फिशेज में हम पढ़ने वाले हैं शार्क को, रेस को, स्केट्स को, लेकिन उनसे पहले इनके करेक्टरिस्टिक देखें कि फ्यूजी फॉर्म, मुकम्मल तौर पे फिश की तरह की इनकी अपेरेंस है, और इनकी मज़े की बात कि इनके जो फिन्स होते हैं कॉडल फिन वो हेट्रोसर्कल है। यहाँ पर जैसे मैंने एनाड्रोमस पीछे कोड किया था और उसका बताया था, इसी तरह फिश का पूछते हैं कि जो इनका कॉडल फिन है वो होमोसर्कल किन में है, हेट्रोसर्कल किन में है, प्रोटोसर्कल किस में है, डाइफाई सर्कल किस में है। पहली बात तो ये है कि प्रोटो सर्कल आप देखो, अगर पीछे शार्प सा आपको जो है वो कॉडल फिन और उसकी कोई भी डिवीजन ना हो, कोई ब्रांचेस ना हो, तो इस तरह के कॉडल फिन को हम कहते हैं प्रोटो सर्कल। अमूमन हमें ईल में भी ऐसे ही मिलता है। हेट्रो सर्कल वो होते हैं कि जिसमें क्या नाम है इसका, कॉडल फिन जो है उसकी दो डिवीजन हो जाए, उसकी दो लोब बन जाएं, लेकिन एक लोब बहुत लंबी और बड़ी हो और दूसरी लोब बहुत छोटी हो, सेंटर में ना हो,
तो इस तरह की डिवीजन जो है उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो सर्कल। तो जितनी भी कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनकी टेल आपको हेट्रो सर्कल मिलेगी। शार्क में आपने देखा होगा, और हेट्रो सर्कल में ये जो ऊपर वाली जो इसकी लोब है वो शार्क में सीधी खड़ी होती है। शार्क ना भी नजर आए तो उसकी वो जो टेल का, हेट्रो सर्कल टेल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपको वर्टिकल नजर आता है, क्योंकि वर्टिकल होने की वजह से जो है ये क्या करते हैं, ये पानी का प्रेशर कम करेंगे और पानी में जो है ये आराम से स्विम कर सकते हैं। तो स्विमिंग को आसान बनाने के लिए इनकी जो क्या नाम है, टेल है, वो कुछ इस तरीके से हेट्रो सर्कल। लेकिन हम जब ऑस्ट्रिक्थीज पढ़ेंगे उनमें डाइफाई सर्कल भी, डाइफाई सर्कल का मतलब ये है कि उसमें ये होमो सर्कल की तरह या हेट्रो सर्कल की तरह नहीं है, एक ही लोब है और ब्लंट है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइफाई सर्कल। तो डाइफाई सर्कल और होमो सर्कल हमें किस में मिलेंगे, इसमें बोनी फिशेज में मिलेंगे, लेकिन हेट्रो सर्कल टेल हमें किस में मिलेगी, कॉन्ट्रिक्थीज में। बाकी इनका एंडोस्केलेटन जो है वो इंटायर कार्टिलेजनस है। हाँ, एक और चीज के पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, इनमें पेयर्ड फिन भी हैं, अनपेयर्ड फिन भी हैं। चूंकि मैंने जैसे बताया ये प्रॉपर फिशेज की तरह हैं, दे कॉन्टेन बोथ पेयर्ड लाइक पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन एंड आल्सो अनपेयर्ड डॉर्सल फिन, पेल्विक फिन और कॉडल फिन। अच्छा, फिर एक और चीज कि इनका जो मेल है उनमें कॉडल फिन थोड़ा सा मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसे क्लैस्पर कहते हैं, और वो क्लैस्पर कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पर है। तो मेल में जो है वो स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए क्लैस्पर यूज होता है। अच्छा, स्किन इनकी नेकेड है एलेस्मोब्रैंकी में। एलेस्मोब्रैंकी में इनकी स्किन के ऊपर कोई स्केल नहीं है, लेकिन जो बाकी हैं होलोसिफैली या और हैं, तो शार्क के अलावा जो और हैं उनकी स्किन किससे कवर्ड है, बहुत ही पुराने स्केल से जिसे प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। आगे मैं स्केल की आपको टाइप्स बताऊंगी, गेनॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल, स्टीनॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड सबसे पुराने स्केल होते हैं, टीथ की तरह के, टूथ की तरह के होते हैं, और जो इनमें एलेस्मोब्रैंकी के टीथ हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल से निकले। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, प्लेकॉइड स्केल से एलेस्मोब्रैंकी यानी शार्क के जो टीथ हैं वो उनका ओरिजिन किससे हुआ है, प्लेकॉइड स्केल से। तो या तो कॉन्ड्रिक्थीज में स्केल होंगे ही नहीं, और अगर हुए तो सबसे पुराने कौन से होंगे, प्लेकॉइड स्केल। बाकी जैसे मैंने बताया कि इंटायरली इनका स्केलेटन किसका है, कार्टिलेजनस स्केलेटन है। नोटोकॉर्ड इनमें रेड्यूस्ड है, परसिस्ट नहीं करता, लाइफ साइकिल में इनके एम्ब्रियो में बनेगा लेकिन उसके बाद रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीट वर्टिब्री से। और हार्ट में साइनस मिनोसिस, आर्ट्रियम वेंट्रिकल कॉनस आर्ट्रियोसिस वैसे ही है। सेवरल पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस हैं, हेपेटिक पोर्टल एंड रेनल पोर्टल सिस्टम इनमें हमें नजर आएंगे। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स इनमें भी हैं एलेस्मोब्रैंक में, एंड 4 पेयर ऑफ गिल्स विद अपरक्यूलम इन काइमिराज। तो काइमिराज एक वाहिद ऐसी फिश है जिनमें इनके गिल्स जो है वो किससे कवर्ड होंगे, हाईली मस्क्यूलर अपरक्यूलम से। अदरवाइज जितनी भी कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनमें अपरक्यूलम नहीं पाया जाएगा। ये माइंड में रखिएगा कि जितनी भी कार्टिलेजनस फिशेज हैं उनमें गिल्स जो है अपरक्यूलम से कवर्ड नहीं है सिवाय काइमिराज के। तो इसी तरह ये आपने देख लेना है कि काइमिराज थोड़ी सी चेंज है, इनमें अपरक्यूलम है, अदरवाइज बाकी में अपरक्यूलम नहीं है। स्विम ब्लैडर इनमें नहीं होता। इनके लंग्स में आपको जो है ऑयल ग्लैंड मिलेगा, सॉरी लंग्स कह रही हूँ, लीवर में इनको ऑयल ग्लैंड मिलेगा, जो कि ऑयल्स की वजह से बॉडी इनकी बहुत लाइट हो जाएगी। स्विमिंग में इनमें और बहुत तरह की अडेप्टेशन की होती हैं, तो स्विम ब्लैडर इनमें नहीं है, जो कि एक बायंसी को मेंटेन करने का की स्ट्रक्चर है। तो लेकिन वो अभी तक हमें नज़र नहीं आई, तो वो बोनी फिशेज में देखेंगे। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज हो गई। हाँ, इसके जो मेंबर हैं, जैसे मैंने आप इसकी फर्दर डिवीजन करवाई थी और उसमें कहा था एलेस्मोब्रैंकी है और दूसरा जो है इसमें कौन सी है, इसकी सब क्लास होलोसिफैली है। एलेस्मोब्रैंकी में हमने शार्क और स्केट्स और रेस पढ़ना है, लेकिन इतनी डिटेल के साथ अगर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेक्चर जो है वो टाइम ले लेगा। हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि शार्क की मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स की हैं शार्क। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो सबसे बड़ी बड़ी शार्क होती हैं, वैसे तो हम कहते हैं प्रीडेटरी हैं, शार्क से हम डरते भी हैं कि बहुत ज़्यादा ये इनका वेट होता है और बहुत प्रीडेटरी है। एक ही दफ़ा जो है अगर ये अपने टीथ की मदद से अपने प्रे को बहुत सारे पीसीज में ये कन्वर्ट कर जाती हैं, बहुत खूनखार होती हैं। लेकिन एक और जहन में रखिएगा कि जो बड़ी शार्क हैं, सबसे बड़ी,
तो वो शार्क जो है वो फिल्टर फीडर है, वो जो है वो हम वो नहीं कहेंगे कि वो शार्क जो है वो प्रीडेटरी नेचर की हैं, वो फिल्टर फीडर हैं। तो बाकी जो ज़्यादातर जो प्रीडेटरी हैं जिसमें ग्रेट जो है वाइट शार्क है और टाइगर शार्क है, तो ये वाली जो शार्क हैं ये इंतहाई जो है वो प्रीडेटरी हैं। इसके अलावा बहुत छोटी शार्क भी होती हैं, जैसे उसको लेबॉर्ट्री में स्टडी किया जाता है डॉग फिश, बहुत छोटी छोटी भी शार्क होंगी। तो शार्क की कोई मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हमारे पास फिशिंग है। इसके अलावा जो स्केट्स और रेज हैं, ये दोनों तरह की जो फिश हैं ये सी के फ्लोर में रहती हैं। डायग्राम आप देख लीजिएगा, आप लोगों को उसमें हिकमैन की बुक से हर वैरायटी की जो शार्क है या स्केट्स या रेज हैं उनकी आपको डायग्राम मिल जाएगी। तो स्केट और रेज जो होती हैं ये उसके सी फ्लोर में होती हैं, और इन्होंने अपने जो पेक्टोरल फिन है ये विंग्स की तरह रखे होते हैं, झालर नुमा विंग नुमा इनके होते हैं। और क्योंकि ये स्लो जो है वो मूवर्स हैं, और फिर ये जो लैजमा ब्रैंकी के मेंबर हैं इनमें और भी खसूसियात हैं। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके अंदर, इलेक्ट्रो रिसेप्शन, और इनका वाटर को वाइब्रेट जो है ज़रा सी भी वाइब्रेशन हो तो फौरन ये जज कर लेती हैं, वाटर में डिटेक्शन कर लेती हैं। तो उसके लिए इन फिशेज में लेटरल लाइन सिस्टम और इलेक्ट्रिक फील्ड पर मुश्तमल लेटरल लाइन सिस्टम होता है, और वो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो बहुत सारे काम करता है। जैसे हल्की सी वाटर में वाइब्रेशन हुई तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर भी, जैसे इलेक्ट्रिक रेज है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होता है, और उस फील्ड में खुद वो जो है वो उसे नज़र नहीं आता इलेक्ट्रिक रे को, लेकिन उसका जो फील्ड है वहाँ पे उसमें कोई भी अगर प्रे आएगा तो उसे फौरन जो है वो वाइब्रेशन वो डिटेक्ट कर लेगी और प्रे पे हमला कर देगी। तो इनके ये जहन में रखिएगा कि इनकी इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है और वाटर की वाइब्रेशन को डिटेक्शन करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। लेटरल लाइन सिस्टम हम आप देखते हैं आगे। बाकी इनका कॉन्ड्रिक्टीज के और भी करेक्टरिस्टिक है, जैसे ओफिस्टोनेफ्री किडनी है, रेक्टल ग्लैंड है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड इन ब्लड, और ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड की वजह से, ब्लड में होने की वजह से इनकी बॉडी लाइट रहती है, तो ये भी इनकी अडेप्टेशन है। लीवर के अंदर इनमें ऑयल होता है जो उसकी बॉडी को लाइट रखता है, ये भी इनकी अडेप्टेशन है। हेट्रोसर्कल टेल होने की वजह से ये भी इनकी अडेप्टेशन है, जिससे इन्होंने अपने आप को स्विमिंग के लिए मॉडिफाई किया है, अडेप्ट किया है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड विद डिफ्रेंशिएटेड ब्रेन, स्मॉल सेरिब्लम प्रेजेंट एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो ये इनमें है, कोई इनमें एसेसरी हार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जे शेप स्टमक है, लार्ज ऑयली इनका लीवर है जो कि बायंसी को मेंटेन करता है। सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, लेटरल लाइन सिस्टम, वाइब्रेशन रिसेप्शन और इलेक्ट्रो रिसेप्शन के लिए ये है इनका। विजन इनकी होती है, जैसे शार्क की विजन बड़ी स्ट्रांग है तो ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताए हैं। इसके अलावा सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओवी पेरस हैं, ओवी वीवी पेरस हैं और सम वीवी पेरस। ज़्यादातर जो शार्क हैं वो ओवी पेरस हैं, कुछ ऐसी हैं जो ओवी वीवी पेरस हैं और कुछ जो है वो वीवी पेरस हैं, जैसे हैमर हेड शार्क है, ग्रे रीफ शार्क है, ये जो है ये वीवी पेरस हैं। इनकी ओवी डक्ट में छोटा सा डाइवर्टिक्यूलम बना होता है जो प्लेसेंटा की तरह का रोल प्ले करता है और प्लेसेंटा की फिर नरिशमेंट देता है बेबी को, और ये जो बेबी को ये जो है ये बॉर्न यानी कि उसकी बर्थ होती है बेबी की, तो ये बच्चे देने वाली जो है ये डायरेक्ट जो है बर्थ के प्रोसेस से गुजरती हैं। कौन सी? हैमर हेड और ग्रे रीफ शार्क जो हैं वो वीवी पेरस है। तो इनकी सब क्लासेस हैं लैजमोब्रैंकी, जिनको ऑलरेडी मैंने बता दिया, शार्क, स्केट्स और रेज होती हैं, और होलोसीपैली जिसमें काइमिराज पड़ते हैं, और काइमिराज जो है वो इनसे बाकियों से डिफरेंट है, इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक भी हैं जैसे अपरक्यूलम का होना। और फिर हमने जैसे बात की कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स हैं, तो और भी खसूसियात आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये इतना कोई वास्ट टॉपिक है आज का, मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं आज के लेक्चर में कंपाइल करूँ, ख़त्म करूँ और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपके साथ 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 ही शेयर करती हूँ। हाँ जी, लेटरल लाइन सिस्टम अगर आप देखें शार्क का, शार्क हो गया, स्केट, रेस, तो इनमें लेटरल लाइन सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये खास किस्म का सिस्टम है जो जिसके अंदर मॉडिफाइड नर्व्स होते होंगे। जैसे यहाँ पे न्यूरोमास्ट है, इनको हम सेंसर बोलते हैं, लेटरल लाइन के सेंसर, ये न्यूरोमास्ट सेल है।
न्यूरोमास्ट सेल ये जो है ये आपको बाकियों में नजर नहीं आएंगे, और इन्होंने हल्के से भी वाटर के अंदर वाइब्रेशन हुई तो इन्होंने फील कर लेनी है। इसीलिए शार्क को दूर से ही पता चल जाता है कि मेरा जो है प्रे जो है वो मेरे पास है। विजन शार्क की स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके साथ इसका लेटरल लाइन सिस्टम इतना ज्यादा है वेल डिवेलप कि इनकी डर्मस के अंदर डेप्थ में जो नर्व मॉडिफाइड होके किस में चेंज हो गए हैं न्यूरोमास्ट सेल में, और वो क्या करते हैं वाटर को डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनके माउथ के पास खास किस्म के जो स्ट्रक्चर हैं जिसे एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी बोलते हैं, और एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ये मतलब इनसे बनता है। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम का ये काम नहीं है कि सिर्फ इन्होंने वो करना है क्या नाम है वाइब्रेशन को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन्हीं को ही करना है डिटेक्ट करना है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको वाटर के प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी लेटरल लाइन सिस्टम यूज होता है। तो आपसे कोई पूछे कि लेटरल लाइन सिस्टम सबसे ज्यादा किस में डेवलप्ड है, तो एलेस्मोब्रैंकी जो सब क्लास है उनमें और शार्क में बेस्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में वेल डेवलप्ड है, वो इलेक्ट्रिक रेज में है, और ये जो है किसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी की वजह से है। वाटर की डिटेक्शन किसके जरिए है, न्यूरोमास्ट सेल्स के जरिए। अब हम चलते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की तरफ। तो क्लास जो कॉन्ड्रिक्थीज है, बोनी फिशेज हम इसको कहते हैं, बोनी फिशेज में मैंने जैसे पहले बताया कि होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल, इनमें फिन्स होते हैं, कॉडल फिन होते हैं। होमो सर्कल आपको मिलेंगे उसमें एक्टिनोटेरिजी में, रे फिन फिशेज में, और डाइफाई सर्कल आपको किस में मिलेंगे, आपको बोनी फिशेज की लोब फिन फिशेज में, लोब फिन फिशेज में यानी सार्कोटेरिजी में आपको क्या मिलेंगे, डाइफाई सर्कल कॉडल फिन। बाकी इनमें पेयर्ड फिन भी हैं, अनपेयर्ड भी हैं, और साइक्लॉइड स्टीनॉइड स्केल है, इनमें प्लेक्वाइड नहीं है, साइक्लॉइड भी होंगे, स्टीनॉइड भी होंगे, गेनॉइड भी होंगे, तीन तरह के इनमें स्केल होंगे, लेकिन पहले वाले प्लेक्वाइड इनमें बिल्कुल नहीं है। स्केलेटन इनका बोनी है, कंप्लीट बोनी है, और जो मैं ये वो बातें करवा रही हूँ जो उनसे डिफरेंट है। तो रेस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू है, गिल आर्चिस होंगे, चार पेयर होंगे इनके गिल आर्चिस के, और वो चार के चार पेयर जो है वो किससे, फोर जो गिल आर्चिस हैं वो किससे कवर्ड होंगी, वो मस्क्यूलर अपरक्यूलम से। तो अपरक्यूलम का होना बोनी फिशेज को जो है एडवांस करता है। बोनी फिशेज में एक तो जैसे मैंने बताया इनकी कॉडल फिन होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल है, फिर इनका पूरा स्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी अपरक्यूलम है इसके अंदर, हाँ स्विम ब्लेडर है इनमें, और कुछ में लंग्स हैं, तो उनमें गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको लंग फिशेस कहते हैं। वो जब पानी की कमी होती है तो वो अपने लंग्स यूज करते हैं और एरियल बन जाते हैं, यानी कि टेरिस्ट्रियल कंडीशन में चले जाते हैं। तो वो हम लंग फिशेस भी पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी हैं। तो स्विम ब्लेडर जो है ये जैसे इनका खास किस्म का बायंसी को स्विमिंग को मेंटेन करने के लिए, बायंसी मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्विम ब्लेडर होता है इनके अंदर है। फिस्टोनेफ्रिक किडनी है इनमें, और ये वो एडवांस करेक्टरिस्टिक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, बाकी वही करेक्टरिस्टिक हैं जो उनसे मिलते हैं पिछली फिशेज से। दो इनकी जो है सब क्लासेस है, टीनोटेरिजी रे फिन फिशेज एंड सार्कोटेरिजी लोब फिन फिशेज। तो ये हमारी हो गई बोनी फिशेज। इनमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिशेज में बहुत सारी आती हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी कार्प है, इंडियन कार्प्स हैं, ये बोनी फिशेज हैं, और टीलियोस्ट हैं, बोनी फिशेज हैं, सीलाकेंथ है, वो बोनी फिशेज है। सीलाकेंथ का भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती जाऊँ, टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि मैं इसका बता दूँ। सीलाकेंथ जो है वो डिवोनियन पीरियड की फिश और बहुत पुरानी बोनी फिश समझी जाती थी, और ये मीसोजोइक इरा में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गई थी, और हम अभी तक इसको सीलाकेंथ को क्या मानते थे कि ये फॉसिलाइज्ड हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन 1938 में एक जो है कुछ लोग थे, उन्होंने समंदर की उस जो उसकी सी है कमोरो आइलैंड, मेडगास्कर में कमोरो आइलैंड जो है वहाँ पर इस फिश को पकड़ा, 80 kg की वो फिश थी सीलाकेंथ। और हम जो साइंटिस्ट है वो हैरान रह गए ये देख के कि ये तो अभी तक सरवाइव कर रही है। तो लैमिनेरिया इसका एक जेनरा जो है सीलाकेंथ का वो अभी तक सरवाइव कर रहा है, हालांकि ये डिवोनियन पीरियड की फिश है,
तो आपसे पूछ सकता है कोई कि ये कौन सी फिश है जो बहुत प्रिमिटिव हो लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रही हो, तो वो सीलाकैंथ है। उसकी आप डायग्राम चाहे उससे गूगल से देख लो, आपको बड़ी मजे की उसकी डायग्राम मिलेगी। 80 kg के करीब उसका वेट होता है। और कमोरो आइलैंड ऑफ मेडगास्कर उसमें ये कॉमनली पाई जाती है। और कौन सा जेनरा है लेमिनेरिया उसका जो है वो लैक्रिमिना है या लेमिनेरिया है वो आप काइंडली देख लीजिएगा, तो वो इसका अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। अब चलते हैं लंग फिशेज की तरफ। लंग फिशेज में 3 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, नियोसिरेटोडस फॉरेस्ट्री फॉर्स्टेरी, नियोसिरेटोडस फॉर्स्टेरी प्रोटोप्टेरस लेपिडोसायरन। नियोसिरेटोडस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वीनलैंड, अच्छा मजे की बात ये तीनों फ्रेश वाटर फिशेज हैं। और क्वीनलैंड जो सबसे बड़ी जो है हम फ्रेश वाटर लेक मानते हैं इसकी, ऑस्ट्रेलिया की फेमस क्वीनलैंड, उसमें ये नियोसिरेटोडस जो है वो पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन फिश है, लंग फिश है। प्रोटोप्टेरस जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है। और लेपिडोसायरन जो है वो साउथ अमेरिकन फिश है। इनमें भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। नीचे इनकी डायग्राम दी हुई है, ये आपने याद रखनी है। नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश और लेपिडोसायरन साउथ अमेरिकन लंग फिश। हाँ जी जल्दी से इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं फिश का। हाँ जी क्लासिफिकेशन और क्लासेस के साथ वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक दो सिस्टम आपके साथ शेयर किए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आप देख सकते हैं कि वेल डिवेलप्ड इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स हैं अपर क्यूलम से ये कवर्ड हैं। और 4 इनके जो है वो आर्चीज हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको गिल आर्च बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गिल आर्च। और हर गिल्स के ऊपर ये जो लाइनें लगी हुई हैं कि हमें लॉन्गिट्यूडनल ये जो लाइंस नज़र आती हैं, हर लाइन को हम क्या कहेंगे? गिल फिलामेंट। और गिल फिलामेंट के ऊपर रिंग चढ़ी हुई है, ये जगह जगह पे ये 1 रिंग है 2, 3, 4, इन रिंग्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम गिल लैमिला कहेंगे। पहली बात तो ये कि गिल आर्च कितने हैं? ये 4 आर्च है। 4 आर्च पर ये एक गिल मुश्तमल है। और ये 4 आर्च जो है ये किससे मिलकर बने हुए हैं? गिल फिलामेंट से। हर गिल फिलामेंट के ऊपर रिंग्स लगी होती हैं और उन रिंग्स को क्या कहेंगे? हम लैमिला कहेंगे। उस लैमिला में ब्लड होता है और ब्लड में जो यानी कि कैपिलरीज होती हैं और उस कैपिलरीज में जो ब्लड होगा उसकी डायरेक्शन और होगी। और इन दो जो लैमिला है इनके दरमियान जो वाटर ट्यूब्स हैं उनमें वाटर की डायरेक्शन और होगी। अगर वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है तो ब्लड क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा, जिससे बहुत मज़े की इनकी जो है वो एक्सचेंज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। और इस तरह का जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये क्या हो गया? इनका इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ जी स्विम ब्लैडर की अगर हम बात करें तो स्विम ब्लैडर के ओरिजिन के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन निकलते हैं। स्विम ब्लैडर की टाइप्स के हवाले से भी बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। स्विम ब्लैडर की अगर हम एवोल्यूशन देखें तो ये एसोफेगस से निकला है। एसोफेगस में एक छोटी सी डक्ट थी जिसे न्यूमैटिक डक्ट बोलते हैं। वही न्यूमैटिक डक्ट अगर न्यूमैटिक सैक में चेंज हो जाए और वो न्यूमैटिक सैक ब्लैडर में चेंज हो जाए तो तब हम उसे क्या कहेंगे? स्विम ब्लैडर। तो अब बास कहते हैं कि जो टेट्रापोड का लंग्स हैं वो न्यूमैटिक सैक से ही निकले हैं, तो यानी कि कुछ उनकी एवोल्यूशन इस तरह भी मानी जाती है। तो अब जो हम स्विम ब्लैडर कहते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हैं तो पाए तो ये बोनी फिशेज में जाएंगे, लेकिन बोनी फिशेज में भी एक है जिसे मॉडर्न फिश बोलते हैं, उसकी भी टाइप है मॉडर्न फिशेज को, हम टीलियोस्ट कहते हैं। उनका स्विम ब्लैडर आपको और तरह का मिलेगा, बाकियों का स्विम ब्लैडर और तरह का मिलेगा। जो बाकी हैं उनमें स्विम ब्लैडर जो है अभी तक एसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ है न्यूमैटिक डक्ट के जरिए, तो ऐसे स्विम ब्लैडर को हम फाइसोस्टोमस कहेंगे। तो ये जहन में रखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर, फाइसोस्टोमस एंड फाइसोक्लिस्टस। फाइसोस्टोमस में स्विम ब्लैडर किसके साथ जुड़ा हुआ है? एसोफेगस के साथ थ्रू न्यूमैटिक डक्ट। और जो टीलियोस्ट फिशेज हैं, मॉडर्न बोनी फिशेज हैं जिन्हें हम टीलियोस्ट कहते हैं, उनमें देर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्विम ब्लैडर एंड एसोफेगस बिकॉज देर इज नो न्यूमैटिक डक्ट इज प्रेजेंट एंड सच टाइप ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड फाइसोक्लिस्टस एंड हाईली कॉमन इन अ मॉडर्न फिशेज ऑफ बोनी फिशेज लाइक टीलियोस्ट। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें स्विम ब्लैडर की, तो स्विम ब्लैडर में ये जो है इसका जो अपर पोर्शन है
उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसे ओवेल कहेंगे, और ओवेल जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ, हाईली वेस्क्यूलराइज्ड ब्लड कैपिलरीज के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है गैस ब्लेडर होगा जिसके अंदर गैस भरी जाएगी, और फिर उसके नीचे जो है खास किस्म के गैस ग्लैंड होंगे, और गैस ग्लैंड के नीचे फिर एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज्यादा डेंस जो है कैपिलरीज और बहुत ज्यादा कैपिलरीज एक दूसरे के साथ डेंसली पैक्ड होंगी, उस रीजन को हम रेटी मायराबल कहेंगे। तो यह होता क्या है, एक्चुअली क्या है इसका मैकेनिज्म क्या है, कि ये जो गैस ग्लैंड है ये खास किस्म का जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड जो है वो कहाँ जाता है, वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन को प्रेशराइज करेगा, और हीमोग्लोबिन अपनी जो है वो गैस जो है वो अपना लोड को अनलोड कर देगी, और फिर वो इस तरह वो जितनी भी गैसेज होंगी वो सारी की सारी किस्में चली जाएंगी, ब्लेडर में चली जाएंगी। तो रेटी मायराबल्स में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोवाइड करेगी गैसेज, इसके जरिए गैस ग्लैंड की सेक्रेशन के जरिए प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और फिर वो गैसेस प्रोवाइड करेगी जिससे स्विम ब्लैडर जो है वो गैस से भर जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, जिससे बॉडी का वेट जो है लाइट होगा और वो स्विमिंग करेगी आराम से। एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि जो शैलो वाटर की जो फिशेज हैं उनमें रेटी मायराबल्स के अंदर जो है वो कैपिलरीज की लेंथ कम होती है। अगर आप इधर देखें डायग्राम में तो ये जो रेड कलर की ट्यूब्स दिखाई हुई हैं ये इनकी लेंथ दिखाई हुई है कैपिलरीज की, तो ये शैलो वाटर में आप देखें कि इनकी लेंथ कम है, लेकिन डीप वाटर में इनकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक तो रेटी मायराबल का एरिया जो है वो उसमें डीप सी वाटर वाली या डीप डेप्थ में जो पानी में रहती हैं तो उनमें एक तो रेटा मायराबल वैसे बड़ा होगा, दूसरा उनमें हर कैपिलरीज की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी ताकि सरफेस एरिया बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेज हैं तो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हीलियम है, नियोन है, मतलब ये सारी गैसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रोवाइड की जाए, स्विम ब्लेडर को प्रोवाइड की जाए। तो स्विम ब्लेडर हमने पढ़ा अभी कि बोनी फिशेस में है, और उनकी टाइप्स भी पड़ी कि किस में पाइसो स्ट्रोमस है और किस में पाइसोक्लिस्टस है। हाँ जी, ये डिफरेंट टाइप्स के स्केल हैं फिशेज में, ये मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जो टीथ की तरह के स्केल हैं जिसको प्ले पॉइंट स्केल कहते हैं, ये अमूमन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कार्टिलेजनस फिशेज में है, शार्क तो वैसे उनमें अक्सर में प्ले पॉइंट नहीं होते, लेकिन जो कार्टिलेजनस हैं आती तो उसके अंदर शार्क भी हैं, स्केट्स भी हैं, रेस भी हैं, होलोसिफैली के भी मेंबर आते हैं, तो कार्टिलेजनस फिशेज में आपको क्या मिलेगा, प्ले पॉइंट, और शार्क के टीथ भी आपको किससे ओरिजिनेट मिलेंगे, प्ले पॉइंट स्केल से ओरिजिनेटेड होंगे। तो ये जो है इस तरह के जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्लेकॉइड है, और जो डायमंड की तरह के स्केल होते हैं उसे हम गेनॉइड स्केल कहते हैं, और स्टीनॉइड और साइक्लाइड ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, साइक्लाइड है इसके अंदर जो रोज हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है, स्टीनॉइड भी साइक्लॉइड की तरह का है लेकिन इसकी जो एक साइड पे ऊपर जो है वो हमवार नहीं होगी बल्कि उसमें जिग जैग से बने होंगे, अदरवाइज स्टीनॉइड साइक्लाइड ये मॉडर्न स्केल्स हैं, और ये हमें किस में मिलते हैं, ये बोनी फिशेज में, प्रिमिटिव में हमें गेनॉइड स्केल मिलेंगे, और जो मॉडर्न फिशेज हैं उनमें हमें स्टीनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल मिलेंगे। हाँ जी, अब लास्ट में हम जरा डिस्कस कर लें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे निकलेंगे क्वेश्चन इसमें से, यानी आपकी सोच है कि इसमें से बहुत आप सोच भी नहीं सकते होंगे लेकिन वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने कुछ उसमें से एग्जांपल के तौर पर कोट किए हैं। लंग फिश इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑफ क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कौन सी लंग फिश पाई जाती है, क्या वो नियोसिराटोडस है, क्या वो प्रोटॉप्टरस है, लेपिडोसायरन है या क्लाइंबिंग पर्च है। चलते हैं जी पीछे, नियोसिराटोडस ऑस्ट्रेलिया, तो नियोसिराटोडस है वो कौन सी है, नियोसिराटोडस यानी ऑप्शन ए। इसी तरह अफ्रीका की पूछ सकते हैं, प्रोटॉप्टेरस है, साउथ अमेरिका की पूछ सकते हैं, लेपिडोसायरन है, और एक और भी फिश है जो कि मुकम्मल तौर पे टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकती है और क्लाइंबिंग नेचर की है, और वो पानी ना भी हो तो वो सर्वाइव कर सकती है, और लेकिन उसका ग्रुप इनसे नहीं मैच करता, वो है इंडियन क्लाइंबिंग पर्च।
तो ये इंडियन क्लाइंबिंग पर्स जो है वो विदाउट वाटर सर्वाइव करती है। और जैसे मैंने बताया था एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, डायाड्रोमस, तो एनाड्रोमस मीन माइग्रेशन ऑफ एडल्ट फिश फ्रॉम टू फॉर ब्रीदिंग, कहाँ से कहाँ। तो एनाड्रोमस है तो वो उसका एडल्ट जो है वो सी से कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर। अगर यहाँ कैटाड्रोमस है तो वो फ्रेश वाटर से कहाँ जाएगा, सी। यहाँ अगर डायाड्रोमस है तो तब आप कहोगे बिटवीन, यानी कि वो दोनों दो तरह की लाइफ इंजॉय कर रही है, बिटवीन आएगा यानी कि वो सी को भी इंजॉय कर रही है और फ्रेश वाटर को भी। और अगर यहाँ मोनोड्रोमस होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो सिंगल इन्वायरमेंट में रह रही है। यहाँ आपसे एनाड्रोमस का पूछा कि वो कहाँ से कहाँ है, तो आप क्या कहोगे एनाड्रोमस का एडल्ट जो है वो सी से फ्रेश वाटर, इसका ए ऑप्शन ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ एंशियंट एम्फीबियन। बोनी फिशेस का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं रिपिडिस्टियन, तो रिपिडिस्टियन ग्रुप जो है इसको एंसेस्टर माना जाता है। यहाँ जो है ये इंसेस्टर किसका माना जाएगा, एम्फीबियन का। यहाँ बोनी फिशेस का इंसेस्टर भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे किसी और का भी इंसेस्टर पूछ सकते हैं। इसी तरह द कॉडल फिन इन एक्टिनोटेरिजी इज, एक्टिनोटेरिजी रे फिन फिश है और रे फिन फिश का कॉडल फिन मैंने आपको बताया था होमो सर्कल है। सार्कोटेरिजी का क्या है, उसका डाइफाई सर्कल है। और जो एलेजमा ब्रैंकी या कार्टिलेजनस फिशेज है उनका क्या है, उनका हेट्रो सर्कल है। तो ये भी पूछा जा सकता है मुख्तलिफ तरीके से। हाँ जी, उसके बाद अगली स्लाइड में हैमरहेड एंड ग्रे रीफ शार्क आर कॉमनली, ये क्या है, क्या ये वीवी पेरस है, ओवी पेरस है, ओवी वीवी पेरस है, क्या है, या डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। तो हमने ये पढ़ा हैमरहेड एंड ग्रे रीफ शार्क, बोथ शार्क आर वीवी पेरस। यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट शार्क की नेचर कैसी है, तो वो फिर आप बताओगे वो फिल्टर फीडर्स है। ओवी वीवी पेरस का भी आप लोगों ने देखना है कि कौन सी शार्क है जो ओवी वीवी पेरस है, यानी देती तो वो एग है लेकिन एग उसी टाइम बस्ट करता है और उसमें से जो है वो यंग जो है निकलता है, यानी डेवलपमेंट एग के अंदर हो रही है और एग कहाँ पर है, फीमेल की बॉडी के अंदर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ओवी वीवी पेरस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द पेक्टोरल फिन इन स्केट्स एंड रेज आर मॉडिफाइड इनटू विंग, विंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी कि कुछ जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो मतलब डेप्थ सी की डेप्थ में जाते हैं, तो उनमें से एक रिसेंटली नाम मुझे नहीं आ रहा, तो उनकी डेथ जो है वो स्टिंग रे की जो टेल है बड़ी सारी जिसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है, तो वो उस टेल के टेल जो है वो उस पर लगी और उसके हार्ट के पीसीस कर गई और उस बेचारे की डेथ हो गई, तो वो स्टिंग रे की वजह से था। तो स्टिंग रे अपना टेल का भी इस्तेमाल करती है अपने प्रे को मारने के लिए, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है बल्कि वो इलेक्ट्रिक रे करेगी और स्टिंग रे जो है वो अपनी टेल से जो है वो क्या करेगी, पैरालाइज करेगी या उसको अपने प्रे को ख़त्म करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट प्रीमिटिव बोनी फिशेज वॉज नियरली डिसअपियर्ड इन मीसोजोइक इरा बट स्टिल अलाइव टूडे और डिस्कवर कब हुई 1938 में, वो कौन सी है। मैंने अभी बताया सीला कैंथ, और उसका मेंबर भी पूछ सकते हैं कि उसका कौन सा मेंबर है जो अभी तक जिंदा है। वो आप लोग देख लीजिएगा कि लैक्रिमेरिया है या कुछ इस तरह का है, तो वो आपने देखना है वो कौन सा मेंबर है जो स्टिल लाइव है। और इन कार्टिलेजनस फिशेज, हाँ जी, लैटीमेरिया माइंड में मेरे आ गया, लैटीमेरिया सीला कैंथ का जो मेंबर है जो अभी तक जेनरा कोमोरो आइलैंड में है वो लैटीमेरिया है। तो यहाँ पर लैटीमेरिया भी लिखा आ सकता है, सीला कैंथ भी लिखा आ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, इन कार्टिलेजनस स्पीशीज एलेजमोब्रैंकी द स्किन इज कवर्ड बाय, कौन से स्केल से कवर्ड है, तो वो कौन सा है, प्लेकॉइड स्केल है। किसी भी और तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बोनी फिशेज में कौन से स्केल होते हैं वो आपने बताना है, स्केल ओरिजिनेट कहाँ से है, क्या एक्टोडर्म से है, मीजोडर्म से, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। फिर एक और स्लाइड देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू वीक इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेचर वाटर प्रेशर एंड सैलिनिटी इन शार्क, कौन से हैं, न्यूरोमास्ट सेल है, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी है, क्लेस्पर है, या बोथ ए एंड बी है। जो न्यूरोमास्ट है वो वाटर में वाइब्रेशन हल्की सी हो तो उसको डिटेक्ट करते हैं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, टेम्परेचर को, वाटर प्रेशर को, सैलिनिटी को जो करते हैं वो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी है, तो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी इसके अंदर आएगा।
क्वेश्चन नंबर टू, द अपर क्यूलम इज एब्सेंट इन ऑल कार्टिलेजिनस स्पीशीज एक्सेप्ट. तो जैसे मैंने बताया था कि काइमिरास में अपर क्यूलम है, बाकियों में नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. और क्वेश्चन नंबर थ्री, द मॉडर्न बोनी फिशेज आर हुज बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल. मॉडर्न फिशेज जो बोनी हैं वो कौन सी हैं, क्या वो कॉन्ड्रोस्टेन हैं, उनमें गेनोइड स्केल है, नियोटर्जियन है, उनमें स्टीनोइड स्केल है, या टीलियोस्ट है, उनमें साइक्लॉइड स्केल है. बात मॉडर्न की हो रही है तो टीलियोस्ट भी मॉडर्न फिशेज हैं, और सबसे मॉडर्न स्केल कौन से हैं, साइक्लॉइड है. तो टीलियोस्ट फिशेज में कौन से कवर्ड होंगे स्केल, साइक्लॉइड. तो सी ऑप्शन ठीक है. और क्वेश्चन नंबर फोर, इन कार्टिलेजिनस फिशेज एलेजमोब्रैंकी द स्किन इज ऑलरेडी कवर्ड. ये मैंने पहले भी हो चुका है. यहाँ पे एलेजमोब्रैंकी की बजाय कोई और आ जाए तो आपने बताना है कि कौन सा किस किस्म का स्केल है. ऑलरेडी ये रिपीट में आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी निकल सकते हैं. हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन फोर इस तरह भी हो सकता है कि स्विम ब्लैडर किन में एबसेंट है, तो किन में प्रेजेंट है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेज जितनी भी हैं उनमें स्विम ब्लैडर नहीं है. तो या स्विम ब्लैडर की टाइप्स पूछ सकते हैं, या रेटी मायरेबल के बारे में पूछ सकते हैं, या यहाँ पर और क्वेश्चन भी निकल सकते हैं. जैसे गिल्स के हवाले से बात कर सकते हैं कि गिल लैमिला क्या है, गिल आर्च क्या है. इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि सिंगल सर्कट से क्या मुराद है, डबल सर्कट से क्या मुराद है. तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने कोशिश की थी कि मैं घंटे के अंदर, हालांकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप ज़्यादा बोर ना हो, 40 मिनट में ही इसको कवर कर दूँ. लेकिन चूंकि ये इतना कोई बड़ा जो है आज का टॉपिक था, जो कोशिश के बावजूद भी मुझे लगता है कि एक घंटे का हो गया है. लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कि इसी लेक्चर पर ही आपने इसको छोड़ देना है. यहाँ पे आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो करने के लिए, निकालने के लिए, या जो है इसको फर्दर पढ़ने के लिए आपने बुक से लाजमी स्टडी करनी है. बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड फॉर अस, जो आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकती हैं. वो आपको और कहीं से इतना नॉलेज नहीं मिल सकता. तो आप हमारे लेक्चर भी आप देखें, साथ साथ आप बुक्स से भी कंसल्ट करें. और वर्टिब्रेट को काइंडली, आप वैसे तो हर चीज़ को सीरियस लें, लेकिन वर्टिब्रेट जो है, यहाँ से सिर्फ आपको डाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और भी जो जूलॉजी की फील्ड है उसमें से भी क्वेश्चन निकलेंगे, मिलेंगे आप लोगों को. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर पीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, बट आल्सो फॉर अदर टू अंडरस्टैंड द जूलॉजी. तो आपको ये हमारे साथ जो है, आप कनेक्टेड रहें, शेयर करें. क्वेश्चन मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. बी कनेक्टेड, बी सेफ. अल्लाह हाफिज़.